नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय चैनल व्हाई व्हाट एंड हाउ। क्या आप भी परेशान हैं कि आपके बच्चे बार बार क्यों बीमार पड़ते हैं, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी रहें? आइए समझते हैं। फुल टर्म कम्प्लीशन या 9 मंथ के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो मदर से मिली होती है, और ये इम्यूनिटी कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स तक चलती है। और 6 मंथ से लेके 8-9 ईयर्स तक के बच्चे अपनी इम्यूनिटी खुद डेवलप करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब से लड़ने की एबिलिटी को इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारी बॉडी इन रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ इन सारी डिजीज़ से लड़ती हैं। जितनी अच्छी या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी, उतने अच्छे से हमारा शरीर इन डिजीज़ से लड़ सकता है। बट अगर इम्यूनिटी वीक होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, कॉफ है, फीवर, इन्फेक्शंस, डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते ही रहते हैं, और हमें बार बार डॉक्टर्स के पास भागना पड़ता है। तो इसको हम अवॉइड कैसे करें? अवॉइड करने के लिए हमें नेचुरली बच्चों के डिफेंस सिस्टम को या इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना एक होलिस्टिक प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहली जो बात होती है, सबसे पहला पॉइंट है, वो है हेल्दी डाइट। हाँ जी, हेल्दी डाइट मतलब वो फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर होता है। विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, डी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट है हाइजीन। हमें खुद की और अपने आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि इसकी वजह से बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस जो भी हैं वो हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो बच्चों को ये हैबिट डालनी चाहिए कि वो अपने हाथों को बार बार दिन में सोप से वॉश करेंगे। थर्ड पॉइंट है इनफ स्लीप। हाँ जी, प्रॉपर क्वालिटी स्लीप हमारे स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जब आप सोते हो तो उस समय हमारी ब्रीदिंग और मसल एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो बाकी एनर्जी है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करती है, तो हमारा शरीर जो है जल्दी हील और क्योर होता है। 1 से 3 साल के बच्चे 11 से 14 घंटे की नींद लेते ही हैं, और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी नींद कम होती जाती है। फिर भी 3 साल से 5 साल तक के बच्चे एटलीस्ट 10 से 12 घंटे की नींद ज़रूरी है उनके लिए। चौथा पॉइंट है स्ट्रेस, जिसको हम बहुत बार इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको पता है, स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी एक हार्मोन क्रिएट करती है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, इस वजह से भी हमारी बॉडी डिजीज़ से लड़ने में नाकाम होती है। छोटे छोटे बच्चे आजकल बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, एंग्जाइटी, उनके मूड स्विंग्स, रेस्टलेस होते हैं, स्टबर्न, एग्रेसिव होते हैं। सो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को स्ट्रेसफुल होने से बचाएं, उनके साथ बात करिए, टाइम स्पेंड करिए, खेलिए, और ये पता लगाना ज़रूरी है कि बच्चे स्ट्रेसफुल क्यों हो रहे हैं, उनके रीजंस क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी। बच्चे जितने फिज़िकली एक्टिव होंगे उनका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। डायरेक्टली ये कनेक्टेड है स्ट्रेस से। फिज़िकल एक्टिव बच्चे, उनमें स्ट्रेस बस्टिंग पावर बहुत होता है। फिज़िकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल क्रिएट करती है, जिससे हमारी बॉडी जो है नेचुरल पेन किलर होती है और हमारे मूड को अच्छा रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट शुगर। हाँ जी, मीठी चीज़ों को, स्पेशली आर्टिफिशियल शुगर को कम करना होगा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे WBC से, जिसको हम किलर सेल्स भी बोलते हैं। तो ज़्यादा शुगर इनटेक करने की वजह से हमारी जो WBC है वो बहुत कम हो जाती हैं, और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो कोशिश करिए कि कम से कम स्वीट आर्टिफिशियल चीज़ें खाएं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि वो हेल्दी हैं, जैसे फ्रूट जूस, उसमें बहुत शुगर होती है और वो हेल्दी नहीं होता।
इसके अलावा जैसे हम चौकोज़ देते हैं बच्चों को दूध में मिला के, वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हैं, उसमें बहुत शुगर है, तो ये सारी चीज़ें हम कम कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे हाइड्रेटेड। हाँ जी, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए, और हाइड्रेटेड का मतलब सोडा, शुगर, फ्रूट जूस से बचिए। वाटर की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी सारी ब्लड सेल्स में, जिससे हमारी सेल्स अच्छे से फंक्शन करती हैं और हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स निकालती हैं। सो ये सारे पॉइंट्स अगर हम याद रखेंगे तो हमारा बच्चा ज़रूर हेल्दी होगा और इम्यून होगा। आई एम श्योर इस वीडियो का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सो आप इसको अपने सर्कल में सर्कुलेट भी कर सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले, सब हेल्दी रहें। इसके अलावा आपको बच्चों के हेल्दी डाइट के बारे में एलाबोरेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव अ हैप्पी लाइफ। टेक केयर, बाय। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।